आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं इमरान खान मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज है सुपर सैटरडे होने वाला है आज, तो जल्दी जल्दी आपको भी जो भी काम हो आप सब निपटा लें क्योंकि आज सुपर सैटरडे में है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच, एशिया कप का पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान 2019 के बाद में पहली बार 2023 में आज के दिन वनडे में आज इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है और आज बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो मैं जल्दी से मेरे जो भी छोटे मोटे काम है वो मैं फटाफट निपटा के आता हूँ और फिर हम देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का बेहतरीन मैच होने वाला है। आज बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। मेहरान खान भी स्कूल से आ जाएगा और अब हम पूरा स्टूडियो जैसा बनाएंगे हम माहौल और मैच को देखेंगे और इंजॉय करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज इंडिया पाकिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। बाबर आजम भी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में है और इंडिया टीम भी फॉर्म में है। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि इंडिया विन, लेकिन मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलो दोस्तों जल्दी से काम निपटा लेते हैं फिर करते हैं तैयारी मैच की। तो खिलाड़ी तो मैच की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अलग ही बात है, उनको तो मैच खेलना ही है, लेकिन हम दर्शक भी कम नहीं हैं, हम भी मैच की पूरी तैयारी कर रहे हैं देखने की। वो खेलने की कर रहे हैं, हम देखने की कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे खाने पीने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैच देखते टाइम पर, तो हम वो ले रहे हैं, यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं मेहरान और हम दोनों, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त हाई वोल्टेज मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का। कोल्ड ड्रिंक्स की यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, लेकिन मौसम अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, बारिश का टाइम है, बीमारियाँ चल रही, तो थोड़ा हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी पॉपकॉर्न वगैरह तो हमने ले लिए, वेफर्स भी ले लिए हैं। निकाल, हाँ निकाल, हाँ निकाल, चलो ये भी रख लो थैली में, टांग लो उसपे। तो दोस्तों हमने पूरा सेटअप जमा लिया है, आप देख सकते हो ये हमारे देश का झंडा और हमने पूरा सेटअप बना लिया। हम यहाँ पर बैठ के देखेंगे मैच और थोड़ी देर में ही टॉस होने वाला है और मेहरान खान भी आ चुका है स्कूल से। मेहरान कौन जीतेगा आज? इंडिया विन होगी। और आज रन कौन बनाएगा? विराट कोहली। तो आज विराट कोहली रन बनाएगा और हम बनेंगे विराट कोहली। मेहरान का विराट कोहली रन बनाएगा आज, है ना, और हम मैच जीतेंगे। तो लेकिन मैच बहुत अच्छा होने वाला है और थोड़ी सी देर में टॉस होने वाला है। तो दोस्तों मैच चालू होने वाला है थोड़ी देर में और टॉस होने वाला है और देखो हमारा सेटअप। रवि शास्त्री आ चुके हैं, अब टॉस होने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी। देखो आप दोनों कैप्टन आ चुके हैं और हम चाहते हैं इंडिया विन द टॉस। तो दोस्तों टॉस जीत लिया हमने और हमने लिए बैटिंग, पहले बैटिंग होगी। तो टॉस जीत चुके हैं दोस्तों और अब हमारी बैटिंग आ चुकी है, पहले होगी बैटिंग। तो हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा टारगेट दे पाकिस्तान को ताकि उसको बाद में चेस करने में दिक्कत आए। तो टॉस तो जीत चुके हैं, एक तो अच्छी खबर आई है अभी तक, चलो आगे देखते हैं। विजय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उच्चल बंगला विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगत तरंगा तब सुगुना में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जे गाता जन गण मंगल दायक
चलो चलो ना लाइव मैच, चल दिखाओ पेपर में हमारा। बनता है कि किसी भी देश का अगर राष्ट्रगान बज रहा हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। पहली बॉल फेंकी जा रही है दोस्तों, पहली बॉल शाहिन शाह अफरीदी, रोहित शर्मा। ये पहली बाउंड्री रोहित शर्मा के बल्ले से, पहली बाउंड्री। तो दोस्तों बहुत शानदार मैच चल रहा है, और अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर गया था किसी काम से, तो पूरे रोड पे और सब पूरे मोहल्लों में सब जगह सन्नाटा छा रहा है, क्योंकि पूरा इंडिया मैच देख रहा है, पूरा पाकिस्तान मैच देख रहा है, दोनों कंट्री में सभी टीवी के आगे बैठे हुए हैं। और देखो हमारा चाय और ब्रेड इसका टाइम हो चुका है, पकौड़े का, मिर्ची पकौड़े का, मिर्ची के पकौड़े और चाय, तो हम अभी हम ये खा लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। थोड़ी सी देर के लिए मैच रुक चुका है क्योंकि हो गई है बारिश, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा मैच। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी टाइट बॉलिंग हो रही है, और दो बार मैच रुक चुका है बारिश की वजह से, बार बार में रुक रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से अच्छी खासी बॉलिंग हो रही है, तीन विकेट हमारे उन्होंने गिरा दिए हैं, विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं, और अभी जस्ट स्कोर हुआ है 58 पे, तीन विकेट 12 ओवर हो चुके हैं, और ईशान किशन ने एक अच्छा सा छक्का मारा है अभी। तो चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा मैच को बनवाते हैं, थोड़ा स्कोर बनाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी तगड़ा मुकाबला होने वाला है, चाहे स्कोर कितना भी बने, यह हमें उम्मीद है। ये बहुत बड़ा विकेट गिर चुका है, एक हारिस राउफ ने ले लिया है। ईशान किशन ने पारी को संभाल लिया है और बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं, काफी लड़खड़ा गई थी पारी। तो स्कोर काफी सम्मानजनक स्थिति में पहुंच रहा है, 132 रन हो चुके हैं चार विकेट पर, और ओवर हुए 25, अभी 25 ओवर और बाकी है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ये दोनों जमे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये थोड़ी लंबी करें और भी पारी को, 66 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इनकी, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अब चलो थोड़ा सा पॉपकॉर्न का टाइम हो गया है, पॉपकॉर्न खा। तो दोस्तों हम मैच देखते देखते आ चुके हैं किचन में, और अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न, रेडी करेंगे पॉपकॉर्न। तो ये ले लिया हमने हमारी बड़ी हांडी, और अब हम इस पर डालेंगे ये पॉपकॉर्न, ये बेहतरीन पॉपकॉर्न होता है। ये देखो दोस्तों इसके अंदर लिक्विड होता है, यार आपने तो देखा ही होगा, और इस इतने से पॉपकॉर्न के लिए ये देखो
ओनली 10 रुपये का पाउच है ये, और इसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न बनेंगे और इसको ढकते हैं हम, फिर आगे आपको बताते हैं। देखो दोस्तों पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आप आवाज़ सुन सकते हो। देखो आ रही ना आवाज, तो देखो दोस्तों ये बंद हो चुकी है, इसमें से आवाज आना, और आवाज आने का बंद होने का मतलब है कि ये बन चुके हैं पॉपकॉर्न। देखते हैं ये देखिए, हाय 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 क्या खुशबू आई, और देखिए कितने मस्त पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, और इसी पॉपकॉर्न के और कोल्ड ड्रिंक के कम से कम 500 रुपये देने पड़ते हैं थिएटर में, और स्टेडियम में तो पता नहीं कितने में, और भी ज़्यादा। तो करते हैं मैच का एंजॉयमेंट, हो रहा है मेहरान और हमारे साथ, मज़ा आ गया, पॉपकॉर्न भी खाएंगे हम, आप लोग भी आइए और इंडिया पाकिस्तान के मैच का इस तरह से मज़ा लीजिए। जबरदस्त मैच हो रहा है, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की, शानदार। और स्कोर भी अच्छा हो चुका है, बहुत शानदार, और काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है, आप देखेंगे काफी तगड़ा मुकाबला होगा है जरूर इंशाल्लाह। तो हम इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो। तो दोस्तों 266 रन का टारगेट दिया है हमने पाकिस्तान को, और काफ़ी अच्छा टारगेट है 266 भी, हालांकि इससे ज़्यादा रन बन रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में 4 विकेट जल्दी गिर गए तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बहुत शानदार बैटिंग की, पार्टनरशिप की 138 रन की, जिसकी बदौलत 266 रन पर हम पहुँचे, और पीछे भी उनके आउट होने के बाद में दूसरे बल्लेबाज रन नहीं बना पाए। और विराट कोहली देखो दोस्तों आउट हो गया, उसकी वजह से मेहरान खान को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि विराट कोहली इसका फेवरेट है। और हाँ अभी नट रहा है कि मेरा फेवरेट नहीं है, हालांकि अभी इसका बहुत फेवरेट है उसका ये, तो मेहरान का विराट कोहली जल्दी आउट हो गया इसलिए मेहरान खान को थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो विराट कोहली जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले मैच में आप अच्छे रन बनाएं। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, अभी एक इनिंग तो ख़त्म हो गई, सेकंड इनिंग चालू होने वाली है, जब तक हम खाना वाना खा लेते हैं और देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बुरी खबर ये है कि मैच हो चुका है बारिश के कारण रद्द, एक ही इनिंग हो पाई है जिसमें हमने रन बनाए थे 266 और 267 का टारगेट दिया था, मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि मैच को रद्द किया जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, एक इनिंग देखी हमने, काफ़ी इंजॉय किया दिन भर से, और कोई भी जीतता कोई भी हारता, जो अच्छा खेलता वही जीतता, लेकिन थोड़ा सा मज़ा बिगड़ गया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट लास्ट में आता वो काफ़ी मज़ेदार होता। तो कोई बात नहीं, तो मैच हो चुका है रद्द, और हमने आज काफ़ी इन्जॉय किया दिन भर आपने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और मेरे चैनल को एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।